हमारे साथ में जय आदिवासी युवा शक्ति के राष्ट्रीय प्रचारक डैनियल मुर्मू जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो आज आदिवासी दिवस है, उस आदिवासी दिवस को सेलिब्रेट करने की बजाय जंतर मंतर पर, संसद मार्ग पर हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है भारी तादाद में यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया। सर, क्या क्या समस्याएं हैं आज जो ये नौबत आई कि आज जो आपका एक पर्व है उसको सेलिब्रेट करने की बजाय सड़कों पर आना पड़ा है? आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि पूरे विश्व स्तर पर हम लोग आज का दिन एक आदिवासी दिवस के तौर पे मना रहे हैं, जिसे हम वर्ल्ड इंडिजिनस डे भी कहते हैं, और ये यूएन के माध्यम से पूरे विश्व में संचालित किया गया है। बात जहाँ तक है कि हम आज सड़क पर क्यों हैं, उसका मूल कारण ये है कि जो हमारा जो आदिवासी का जो वैल्यूज़ है, उसके जो अधिकार है, और आदिवासी संबंधित जितने भी बातें हैं, वो सरकार एक सिरे से किनारे में रखती है। तो क्या आज के समय में गवर्नर या राष्ट्रपति आदिवासियों की समस्याओं को लेकर के ये कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ गंभीर हैं? पिछले दिनों हमारे राष्ट्रपति कोविंद जी ने जब गवर्नर लोग की मीटिंग बुलाई थी, तो उन्होंने विशेष करके गवर्नरों को संबोधित किया था कि आदिवासियों के विशेष करके ध्यान दिया जाए, परंतु जो सरकार है, सरकार राष्ट्रपति के उन बातों को भी अवहेलना करती है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट समता जजमेंट के माध्यम से जो आदिवासियों का जो अधिकार है लोग के सामने रखा, परंतु सरकार जो है एक कान से सुनती है दूसरे कान से निकाल देती है। समता कानून को भी वो प्रमुखता नहीं देती है। समता कानून में क्या चीज़? समता कानून के अंदर में जो प्रोविज़न है कि जो प्रकृति की जितने भी चीज़ है, जो आदिवासी क्षेत्र में जो शेड्यूल 5 एरिया है, जो आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ का, उनके निकट में रहने वाले जो लघु वन है, उसका जो भी लघु वन में होने वाला जो उपज है या औषधि है, उस पर मूलतः आदिवासी का अधिकार है। वहाँ से जो उनके गांव से बगल में बहने वाली नदी है, उनके रेत पर भी आदिवासियों का या ग्राम सभा अधिकार है, वो चाहे तो नीलामी कर सकता है। जो भी नीलामी होती है उसका जो पैसा जो है ग्राम सभा के पास आना चाहिए, जबकि इसका उल्टा होता है, और वो सारा प्रखंड वीडियो के माध्यम से जो है डीसी के पास वो सब पैसा चला जाता है, सरकार पहुँच जाता है। ठीक, फाइनली मैं ये पूछना चाहूँगा सर कि 5वीं अनुसूची के लिए जो लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, उस पर क्या कुछ सरकार कार्रवाई कर रही है और क्यों नहीं कर रही है? अगर सर मुझे नहीं मालूम है कि सरकार कहाँ तक शेड्यूल 5 के बारे में सोच रही है, क्योंकि मुझे जरा सा भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी कहीं से भी कुछ एक आभास नहीं हो रही कि शेड्यूल 5 को लागू किया जाए, क्योंकि कानून में ये हमारा अधिकार है और इस अधिकार को हम आदिवासी लोग जान गए हैं, इसलिए हम जोर लगाकर आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारा जो शेड्यूल 5 का जो अधिकार है वो हमें चाहिए। हमारा प्रशासन जो है ग्राम सभा से है और हम ग्राम सभा को मजबूत करना चाहते हैं। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में डैनियल मुर्मू, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 5वीं अनुसूची, जो कि सरकार गंभीर नहीं है, उसके खिलाफ उनकी लगातार लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन देखना ये होगा कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार कब गंभीरता से कदम उठाती है। नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए सुशील कुमार, दिल्ली।